एक्टिव न्यूज चैनल, खबरें वही जो होती हैं सच और असरदार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद शाह एक्टिव न्यूज में आपका खैर मकदम करता हूं। आइए देखते हैं। दुनिया में फैला हुआ है, हिंदुस्तान में फैला हुआ है और हैदराबाद में भी लॉकडाउन पर अमल किया जा रहा है और सहाफ़ी जो होते हैं बहुत मुश्किल से अपना काम कर रहे हैं। क्या इसमें बहुत ज़्यादातर सहाफ़ियों की अक्सरियत मिडिल क्लास के हैं, गरीबों की अक्सरियत है और हैदराबाद यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ये अच्छी तरह आप जानती है कि जो सहाफ़ी पुराने शहर में काम कर रहे हैं बहुत ही नामसाद हालत में और गैर यकीनी हालत में काम कर रहे हैं और उनके घर के क्या हालात हैं वो भी मालूम है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भवानी नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में आज एक वाकया पेश आता है जिसमें बीबीएन के रिपोर्टर शहबाज को मारा जाता है, ददोकोप किया जाता है और बहुत ज्यादा जख्मी किया जाता है। उसके कनपट्टी पर, उनके चेहरे पर और उनके दांतों पर मार पड़ा है और यहाँ पर हम शिकायत देने आए भवानी नगर पुलिस स्टेशन में और पुलिस वालों का भी रवैया बहुत ही हमदर्दाना रहा है और इस मौके पर यह कहा जा रहा है कि शहबाज ने मुखबिरी की है पुलिस की। अब ये देखा जा रहा है कि जो सहाफी है पुलिस से उसको मारती है तो कहा जाता है कि ये आवाम के लिए काम कर रहा है और जब वो आवाम के लिए काम करता है या लॉकडाउन की पाबंदी के साथ निफास को यकीनी बनाने की कोशिश करता है तो उससे कहा जाता है कि पुलिस की मुखबिरी कर रहा है। ये सहाफी सिर्फ अपने सहाफती फरायज अंजाम दे रहा था, ये आपके जर्नलिस्टिक एथिक की पासदारी कर रहा था, उसे मारा गया है, उसे पीटा गया है। हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और तमाम जो सहाफी हैदराबाद के हैं और तेलंगाना के हैं वो ये मुतालिबा करते हैं पुलिस से कि जो भी शहबाज को हमला करे हैं शहबाज पर या शहबाज को मारे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये हमारी खास तौर पर भवानी नगर पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर से अपील है और कमिश्नर पुलिस से भी अपील है, डीसीपी से अपील है और एसीपी से भी यहाँ के अपील है कि वो शहबाज पर जो हमलावर है, जो हमला किए जिन्होंने, उन्हें फौरन गिरफ्तार करे और उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाए, उन्हें सख्त सजा दी जाए क्योंकि जो सहाफी होते हैं बहुत ही मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ 3 लोग मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं कोरोना वायरस के फैलाव के वक्त, एक तो डॉक्टर्स हैं, दूसरे पुलिस है और तीसरे सहाफी है। सहाफी अपने जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, लोगों तक इत्तलात इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आप लोग एहतियात बरतें। जब शहबाज लोगों को मशवरा देते हैं एहतियात बरतने का और ये इस तरह के होटलें या कोई और दूसरी चीजें खुले रखने के खिलाफ बताते हैं कि ये गलत है तो तब उन्हें मारा जाता है। हमारी यही अपील है पुलिस से कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए, बस यही हमारा कहना है। एचयूजे और टीयूडब्ल्यूजे की तरफ से भी आगे और फर्दर कुछ और कार्रवाई बिल्कुल करेंगे। और दूसरी बात, जैसा आपने बहुत अच्छी बात कही है, यहाँ ये भी मालूम हुआ है कि कलीम नामी एक रिपोर्टर को इससे पहले मारा गया था और यहाँ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी दी गई थी लेकिन उसके खिलाफ कोई हमलावरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। टीयूडब्ल्यूजे और एचयूजे पुलिस से ये अपील करती है कि इस तरह के वाकयात जब भी पेश आते हैं फौरी कार्रवाई करें ताकि सहाफियों को फिर दोबारा मुश्किलात ना पेश आए। शुक्रिया।